हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों हर बार स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चंस 10 से 12 15 20 भी हो जाते हैं और इससे आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। और दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग का ये ऑनलाइन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग चाहे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन चाहे भार प्रशिक्षण चाहे ट्रेनिंग साइकिल हो प्रियोडाइजेशन हो, सभी को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है थ्योरी सेशन में। इन सभी स्पोर्ट ट्रेनिंग्स के टॉपिक को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपके पास। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं, चाहे UPTGT हो, KVS NVS हो, चाहे UPLT ग्रेड हो, मध्य प्रदेश स्टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं, सभी थ्योरी सेशन है। हर एक टॉपिक से चैप्टर वाइज थ्योरी बताया गया है एंड चैप्टर वाइज MCQs भी लगाए गए हैं और प्रीवियस ईयर MCQs के 100 से ज़्यादा वीडियोज भी बनाए गए हैं और डेली बेसिस में मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पे मन से जुड़ जाइए और बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। यह पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ये सभी किसके अवयव हैं दोस्तों? ये सभी हैं आपके हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। जैसा कि फिजिकल फिटनेस कहते किसे हैं दोस्तों, फिजिकल फिटनेस जो होता है डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि रोज के कार्य को आप बिना थके हुए आसानी से किसी भी वातावरण में कर लें, उसके बाद भी आपको कोई आपात स्थिति आए तो उससे निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा हो, इसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस दो प्रकार का होता है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड में मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन आता है, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले थ्योरी सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस यानी गामक कौशल संबंधित स्वास्थ्य के अवयव कितने हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे 6 दिया है बट 5 ही आपके हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामक शक्ति यानी स्पीड एंड पावर, यहाँ पे स्पीड एंड पावर एंड चपलता तालमेल यानी एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, सहनशीलता एवं संतुलन यानी एंड्योरेंस एंड बैलेंस, ये सभी किसके अवयव है दोस्तों? ये सभी के सभी हैं गामक कौशल यानी कि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के घटक हैं। नेक्स्ट है, किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पीड यानी गति। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से एक समय में संकुचित होती है, इस घटक को क्या कहते हैं? तो पूरे बल से मांसपेशी की जहां बात आ जाए वहां शक्ति होगा, ये आंख मूंद के आप लगाइएगा, मांसपेशी बल पे ही कार्य करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में बल लगाने का कार्य मांसपेशी करती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता हो दोस्तों, तो वह होता है एजिलिटी यानी चपलता।
नेक्स्ट है वह क्षमता जो मानव शरीर के साम्यावस्था को स्थिर तथा चलायमान स्थिति में बनाए रखता है। तो मानव शरीर को स्टैटिक एंड डायनामिक यानी स्थिर और चलायमान स्थिति में बनाए रखता है तो उसे कहते हैं संतुलन यानी बैलेंस। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों मांसपेशीय सहनशीलता यानी मस्कुलर एंड्योरेंस। यानी हमारे मांसपेशी और मांसपेशियों की वह क्षमता जो किसी कार्य को थकान की अवस्था में भी लंबे समय तक किया जाए, तो जहाँ थकान शब्द थकान की अवस्था में कार्य करने की बात जहाँ पे भी आ जाए वहाँ एंड्योरेंस होगा, मांसपेशी के साथ आएगा तो मस्कुलर एंड्योरेंस। ये मस्कुलर एंड्योरेंस आपका आता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो जहां पे प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य हो, किसी प्रतिरोध को हटाने की बात हो, पूरे बल लगाने की बात हो, वहां आपका स्ट्रेंथ होगा, तो यहाँ पे आपका है मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशीय ताकत। नेक्स्ट है वह क्षमता जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखती है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र विभिन्न के शरीर के विभिन्न अंगों में आंख पैर और हाथ इन सबको बैलेंस बनाती है। जैसे आप कोई मान लीजिए फुटबॉल ही खेल रहे हैं तो वहां पे आपका आंख भी आपका हाथ भी आपका पैर भी एक साथ सभी अंग कार्य कर रहे हैं, तो इस सब का बैलेंस कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारी तंत्रिका तंत्र काम कर रही है, तो इसी को बोलते हैं समायोजन करने की शक्ति को, सामंजस्य करने की शक्ति को कोऑर्डिनेशन। ये सात प्रकार का होता है जैसा कि मैंने कई बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस यानी हृदय और फेफड़ों की सहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है, तो लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी कोई कार्य कर रहा है तो उसे हम कहते हैं सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। वही भी होता है कि मांसपेशियों की वह क्षमता जो थकान की स्थिति में भी किसी कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो उसको मस्कुलर एंड्योरेंस कह देंगे, जो आपका हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में। वही भी सिर्फ कहेगा कि वह क्षमता जिसे व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है तो वहां पे एंड्योरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचलन यानी गति को बड़े रूप में विस्तारित करती है, तो दोस्तों जोड़ों की जहाँ पे जोड़ों की क्षमता की बात आ जाए संचलन या गति को बड़े रूप में ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ करती है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता आपका आएगी। नेक्स्ट है व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही कहते हैं फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक स्वास्थ्यता। यानी कि किसी व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है उसे ही कहते हैं फिजिकल फिटनेस शारीरिक स्वास्थ्यता। नेक्स्ट है मानव शरीर के वसायुक्त मात्रा तथा बिना वसायुक्त मात्रा के संयोजन को कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। नेक्स्ट है गति की इकाई क्या है? तो गति की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह स्किन फोल्ड कैलिपर से मापी जाती है। नेक्स्ट है पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? जहां पे ताकत शक्ति की मापने की बात आ जाए वहां पे है आपका पैर कमर की ताकत को मापता है डायनमोमीटर। नेक्स्ट है गति मापने का सूत्र क्या है? दोस्तों यहाँ पे दूरी बटा समय होता है।
नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है। तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशी का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, आपका स्पीड में आता है। स्पीड जो है गति है वो पांच प्रकार का होता है दोस्तों। तो आप उच्च क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना वो होता है लोकोमोटर एबिलिटी, यानी कि लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकोमोटर एबिलिटी यानी कि प्रचलन योग्यता, इसका मतलब होता है प्रचलन योग्यता। जैसे कि जो स्पीड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को कम से कम संभावित समय में पूरा करने की गति को ही हम कहते हैं स्पीड। एंड स्पीड पांच प्रकार का होता है, रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी कि त्वरण योग्यता, मोमेंट एबिलिटी यानी गति की चाल, लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता, स्पीड एंड्योरेंस यानी चाल सहनशीलता। पांच प्रकार के गति होते हैं। तो इसमें लोकोमोटर एबिलिटी वो होता है जो उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक, उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार बनाए रखे, यानी कि अधिकतम समय में अधिकतम गति को बनाए रखने की योग्यता को ही हम कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता। ठीक है, प्रचलन योग्यता। जैसे कि यह छोटे समय की क्रियाओं में जैसे 100-200 मीटर दौड़ है, इसमें आप अपने स्पीड को शुरू से लास्ट तक एक जैसे रखते हैं, पूरा दम लगा देते हैं उसमें। तो यानी कि अपने उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार बनाए रखना वही होता है लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य के कौन से घटक में प्रयुक्त होंगे। तो दोस्तों एरोबिक क्षमता मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया। तो एरोबिक जो होता है हमेशा लंबे समय की क्रिया होती है और यह हमेशा एंड्योरेंस डेवलप करता है। एंड्योरेंस यानी कि लंबे समय की क्रिया में, तो यहाँ पे एंड्योरेंस होगा यानी सहनशीलता। वही भी अनएरोबिक रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप होगा, स्ट्रेंथ हमेशा अनएरोबिक में आएगा, एंड्योरेंस हमेशा एरोबिक में आएगा। अनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन की क्रिया, यानी आपका 45 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक की जो भी क्रियाएं होती हैं वो अनएरोबिक में आ जाएंगी, और 2 मिनट से ज़्यादा जितनी भी क्रियाएं हो जाएंगी वो एरोबिक में आ जाएंगी। नेक्स्ट है लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए। तो लंबी दूरी लंबे समय की जो भी क्रिया आ जाए वहाँ पे तुरंत आप आँख मूंद के एंड्योरेंस यानी सहनशीलता ही कीजिएगा। लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए, तो वहाँ पे एंड्योरेंस यानी सहनशीलता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों 100 मीटर के धावक में किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है। तो 100 मीटर के धावक में आपको सबसे ज्यादा स्पीड होना चाहिए, स्पीड। नेक्स्ट है एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है। तो जिम्नास्टिक में क्या होता है, किसी भी तरीके से अपने अंग को मोड़ देता है या फ्लेक्सिबल होता है, गतिशीलता होता है उसमें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता। नेक्स्ट है ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित करके पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं एरोबिक व्यायाम। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एरोबिक अनएरोबिक पूछता है तो इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए कितना अच्छा से एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करके पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है तो उसे कहते हैं एरोबिक व्यायाम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकेंड तक पेशी में ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए तो उसे कहते हैं एनएरोबिक व्यायाम। यहाँ पे आपको एरोबिक एनएरोबिक में समझ में आ गया होगा डिफरेंट क्या है।
तो जो एरोबिक है ऑक्सीजन के साथ लंबे समय की थकान की स्थिति में कार्य करता है बिना रुके, वो एरोबिक होता है। और अनएरोबिक जो होता है वह कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकंड तक की जो क्रियाएं होती हैं, छोटे समय की क्रियाएं, और जो हमारे शरीर में संचित ऊर्जा होती है उसका उसको उपयोग करके क्रियाकलाप करता है, तो एनएरोबिक होता है। जैसे कि दोस्तों एरोबिक क्रिया में एनएरोबिक में होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा उपस्थित है उसी का उपयोग करके वो कार्य करता है। बट जो एरोबिक क्रिया है सहनशीलता वाला है, लंबे समय तक की क्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर में जो फैट उपस्थित होता है उसका उपयोग करके वो ऊर्जा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस एरोबिक एनएरोबिक के बारे में डिटेल में और समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका है जो एरोबिक है दो तीन प्रकार का होता है, लघु मध्यम दीर्घ। अनएरोबिक भी तीन प्रकार का है, लघु मध्यम दीर्घ। ये तीनों के बारे में देखिए कितना समय का होता है। तो जो एरोबिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है। तो लघु एरोबिक व्यायाम 2 से 8 मिनट का होता है, 2 से 8 मिनट लघु। 2 मिनट से पहले की जितनी क्रियाएं हैं किसमें आ जाएंगी, अनएरोबिक में। 2 मिनट से ज्यादा जितनी क्रियाएं हो एरोबिक में आ जाएंगी। तो लघु एरोबिक व्यायाम 2 से 8 मिनट, ठीक है। मध्यम एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है, तो मध्यम है 8 से 30 मिनट। नेक्स्ट दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है, तो यह होता है 60 मिनट। तो ध्यान में रखिए एरोबिक व्यायाम तीन प्रकार का, लघु मध्यम दीर्घ। लघु जो है 2 से 8 मिनट, मध्यम 8 से 30 मिनट, दीर्घ 60 मिनट, ठीक है, 30 से 60 मिनट या इससे भी ज्यादा की जो क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में बताया है कि जो हमारी कोशिकीय श्वसन होती है, आंतरिक श्वसन होती है, उसमें 2 क्रियाएं संपन्न होती हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक एक्सपायरेशन यानी ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो अनऑक्सी श्वसन होता है वो अनएरोबिक होता है। तो जो अनएरोबिक होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है, जिसका जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसमें 2 ATP बनता है। जो एरोबिक होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो वहाँ पे आपको एरोबिक चयापचय क्रिया में 36 ATP बनता है, यानी कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP का निर्माण होता है, 2 ATP आपका ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में अनएरोबिक श्वसन में, एंड 36 ATP आपका क्रेब्स चक्र यानी कि एरोबिक एस्पिरेशन में 36 ATP का निर्माण होता है। तो एरोबिक चयापचय में कितनी ATP की आवश्यकता पड़ती है, 36, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पर पूछेगा कि अनएरोबिक चयापचय में कितनी ATP की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 ATP का। नेक्स्ट है लघु अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है। तो अनएरोबिक भी तीन प्रकार का होता है, लघु मध्यम दीर्घ। तो लघु अनएरोबिक व्यायाम कम से कम होता है 25 सेकेंड से कम, 25 सेकेंड से कम लघु एनएरोबिक व्यायाम कम से कम 25 सेकेंड से कम का होता है। और मध्यम एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने सेकेंड का होता है, तो मध्यम एनएरोबिक व्यायाम 25 से 100 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट दीर्घ एनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होता है, तो यह होता है 60 से 120 सेकेंड का। इस प्रकार आपने देखा कि एनएरोबिक भी तीन प्रकार का है, लघु मध्यम दीर्घ। लघु आपका 25 सेकेंड से कम, मध्यम 25 से 60 सेकेंड, और दीर्घ जो है 60 से 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। इस प्रकार आप 25 सेकेंड से लेकर के या 1 सेकेंड से कितना भी सेकेंड से लेकर के 2 मिनट तक की जो भी क्रियाएं हैं अनएरोबिक में आएगा। अनएरोबिक तीन प्रकार का है, लघु 25 सेकेंड से कम, मध्यम 25 से 60 सेकेंड, दीर्घ 60 से 120 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद की जितनी क्रियाएं होंगी वो एरोबिक में आ जाएंगी यानी कि एंड्योरेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को 3 प्रकार में बांटा गया है, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन से प्रकार में बांटा गया है।
तो दोस्तों अवधि के आधार पर सहनशीलता को शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस, लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस एंड स्पीड एंड्योरेंस चार प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे आपको नहीं दिया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी समृद्ध होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती है उसे क्या कहते हैं, जैसे तैराकी, जॉगिंग, पैदल चाल आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली क्षमता आधार सहनशीलता इसका कहलाती है, यह कहलाती है बेसिक एंड्योरेंस। ठीक है, प्रकृति के आधार पर एंड्योरेंस तीन प्रकार का होता है, बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक। बेसिक का मतलब होता है जो जन्मजात होती है। ठीक है, तो यह जॉगिंग, तैराकी, पैदल चाल किसमें आएंगी, बेसिक एंड्योरेंस यानी सामान्य आधार एंड्योरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों खेल के अनुसार जो भी किया जाएगा वो विशिष्ट में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा फिजिकल एजुकेशन में, तो यह आएगा विशिष्ट सहनशीलता यानी कि स्पेसिफिक एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खेल अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकेंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है जैसे 400 मीटर की दौड़ तो उसमें हम उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे स्पीड एंड्योरेंस। क्या यहाँ पे डेवलप होगा, स्पीड एंड्योरेंस। ठीक है, जैसे कि जो आपका 45 या 2 मिनट से कम की अवधि की जो भी क्रियाएं होंगी तो कम समय की क्रियाएं अनैरोबिक होंगी तो उसमें स्पीड एंड्योरेंस 400 मीटर की जो दौड़ है उसमें स्पीड एंड्योरेंस डेवलप होगा। 100 मीटर रहेगा तो केवल स्पीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है खेल क्रिया की अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकेंड से 2 मिनट के लिए प्रयुक्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो 45 सेकेंड कई बार मैं बता चुकी 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की जो भी क्रियाएं होंगी वो अनएरोबिक में आएंगी तो क्या कहलाएगा, वो अनएरोबिक सहनशीलता। नेक्स्ट है साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाएंगी। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्रियाएं आपकी एरोबिक क्रियाएं कहलाएंगी क्योंकि आप एक मिनट तो करेंगे नहीं इसको। ठीक है, कुछ समय के लिए करेंगे, रिपीट करते हुए करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, एरोबिक क्रियाओं में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रशिक्षण की विधि को क्या कहते हैं जिसको कि एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है तथा उसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों उसको फॉर्टलेक मेथड बोलते हैं। यह एंड्योरेंस को डेवलप करता है और यह दोस्तों जैसे कि आपका जो एंड्योरेंस है उसको डेवलप करने की चार विधियां हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड। जो कॉन्टिन्यूस मेथड है उसकी खोज 1920 में अर्नेस्ट वान वाकेन ने किया था एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। और कॉन्टिन्यूस मेथड भी तीन चार प्रकार का है, स्लो कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस, फॉर्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। तो जो आपका फॉर्टलेक मेथड है यह 1937 में गोस्टा होमलर ने इसको खोजा था, एंड्योरेंस डेवलप करता है ये भी। तो यह बिना पूर्व नियोजित से, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछता है कि बिना पूर्व नियोजित ढंग से एंड्योरेंस को डेवलप किया जाता है या किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो फॉर्टलेक मेथड। वही कहेगा पूर्व नियोजित ढंग से लगातार और मंद गति से लंबे समय तक जो कार्य है उसे कहते हैं बिना पूर्व नियोजित ढंग से, तो वेरिएबल पेस मेथड है। अब बिना पूर्व नियोजित ढंग से तो वह है फॉर्टलेक मेथड। नेक्स्ट है स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे फॉर्टलेक मेथड है, यहाँ पे गलत दिया है एंड्योरेंस। ठीक है, स्पीड प्ले मेथड को क्या बोलते हैं, फॉर्टलेक मेथड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्टलेक को हम कहते हैं स्पीड प्ले विधि। अब फॉर्टलेक मेथड की ट्रेनिंग की खोज किया था 1937 में गोस्टा होमलर ने,
यह इंडोरेंस डेवलप करता है। स्वीडिश शब्द है, इसको गतिज खेल स्पीड प्ले भी कहते हैं। इसमें जो है इंटेंसिटी जो होती है 140 से, जो हार्ट रेट होती है 140 से 180 मिनट होती है, और इसे बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास को मंद व तीव्र गति से बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। और इसमें एरोबिक और अनएरोबिक दोनों क्रियाएं किया जाता है। दोस्तों ये कहाँ पे किया जाता है, यह अलग अलग जगहों क्षेत्रों पर भाग कर ट्रेनिंग करके किसी भी एथलीट की एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है, जैसे कि पहाड़ों, नदियों, किनारे, रेतीले इलाकों में भागना, बालू में, कीचड़ में तथा जंगलों में, चढ़ाई और ढलान पर क्रियान्वित किया जाता है, जैसे वॉकिंग, सैंड रनिंग आदि। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे कि पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें आक्सी अनाक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है बार बार गति बदलकर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वेरिएबल फेस मेथड। ठीक है, वहीं पे आपका यहाँ पे क्या बोला है, पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करता है, पूर्व नियोजित ढंग से ये होता है। अब बिना पूर्व नियोजित ढंग से होता तो वो होता फार्टलेक मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट है वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो वो क्या होता है, कंपटीशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, फार्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। ये प्रशिक्षण के प्रकार के सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो अभी मैं बताई हूँ, सभी कॉन्टिन्यूअस मेथड के अंतर्गत आते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना रुके कार्य करना, लगातार बिना रुके कार्य करना। तो इंड्योरेंस यानी सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधि है, कॉन्टिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कॉम्पिटिशन मेथड। जिसमें से कॉन्टिन्यूअस मेथड में स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड, फार्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड। इस दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इंड्योरेंस वाले चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में देखिए स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर इंड्योरेंस में इंड्योरेंस वाले वीडियोज को देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एरोबिक क्षमता, एनएरोबिक क्षमता, मूवमेंट, इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वास्थ्य के घटक को निर्धारित करने वाला कारक है, तो यह है आपका एंड्योरेंस यानी सहनशीलता। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों, तो तीन प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन से, अधिकतम ताकत यानी कि अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत, शक्ति सहनशीलता। ठीक है, ताकत को कितने भागों में बांटा गया है, अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और शक्ति सहनशीलता। तो अधिकतम ताकत को हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम ताकत, जिसमें जो इंटेंसिटी होती है 90 से 100%, जिसमें पूरा शक्ति एक साथ लगाया जाता है, जैसे कि आपका वेट लिफ्टिंग यानी कि पेशियों की वह क्षमता जो किसी अधिकतम प्रतिरोध या अवरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। और विस्फोटक शक्ति क्या होता है, गति और शक्ति का समन्वय होता है, और इसमें इंटेंसिटी 70 से 80% होती है, वह पेशियों की क्षमता जो तीव्र गति या उच्चतम चाल के समय प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करती है। जैसे जितने भी जंप आ जाती हैं, बॉक्स जंप, सेंडिंग, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, सर्जेंट जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर स्टार्ट, ये सभी आ जाते हैं, हाई जंप, ये सभी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि विस्फोटक शक्ति में आ जाते हैं। और तीसरा शक्ति का प्रकार होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता, लंबे समय तक थकान की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता, शक्ति और सहनशीलता का इसमें समन्वय होता है। 40 से 50% आपका इंटेंसिटी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य के घटक ताकत को कौन से तीन प्रकार में बांटा गया है, जो स्ट्रेंथ होता है इसको तीन प्रकार में अभी मैं बता ही दी, यह आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम ताकत, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि विस्फोटक ताकत, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता, तीन भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है गतिशील शक्ति यानी कि आइसोटोनिक मेथड, गतिशील शक्ति को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक मेथड, गतिहीन शक्ति आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक विधि तथा स्थिर शक्ति स्टैटिक मेथड।
किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है? तो दोस्तों आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक को गतिशील शक्ति, आइसोमेट्रिक को गतिहीन शक्ति और आइसोकाइनेटिक, ये तीन प्रकार के जो है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, या किसको विकसित करते हैं, किसको डेवलप करने के लिए है दोस्तों, तो ये सभी के सभी आपका स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम शक्ति नहीं दिया रहेगा, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने की तीन विधियां हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ठीक है, स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट एवं प्रतियोगी व्यायाम यानी स्पेशल एंड कॉम्पिटेटिव एक्सरसाइज तथा गहन अंतराल विधि इंटेंसिव इंटरवल मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है? तो दोस्तों ये सभी के सभी आपको करते हैं विस्फोटक शक्ति यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव अंतराल मेथड यानी कि एक्सटेंसिव अंतराल मेथड जिसे हम कहेंगे विस्तृत अंतराल विधि हिंदी में, एंड गहन अंतराल विधि यानी कि इंटेंसिव इंटरवल मेथड, प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग विधि सर्किट ट्रेनिंग मेथड किस प्रकार की ताकत को विकसित करता है? तो यह सब के सब करते हैं शक्तिशीलता यानी कि एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं सभी के सभी। नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार करके अभ्यास किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय ट्रेनिंग यानी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में तो होता है एक सर्कल में किया जाता है, 10 से 12 आपका एक्सरसाइज कराए जाते हैं, और इसमें क्या होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है, क्या होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपके सेशन दिया, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को देख लीजिए, उसके बाद MCQ भी लगाइए और ऑनलाइनर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।